हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मार्केट कंटिन्यूसली गिरती जा रही है पिछले 2-3 दिन से, ओके, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, और आपको पता ही है किस तरीके से मार्केट में लोगों का लॉस भी हो रहा है। बट स्टिल वो एक घबराहट है, एंड स्टिल अगर हम डेटा को देखें तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज भी 18 जैन को, ओके, आज की तारीख है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ओके, FIIs, FPI ने लगभग 650 करोड़ के यहाँ पर बाइंग करी है। और अगर DIS की बात करें तो DIS ने ज़्यादा बेचा नहीं है, जैसे कि पिछले हम देखते आए FIIs कर 1000 करोड़ में खरीदते थे, ओके, एंड ये 1000 करोड़ में बेचते थे। तो इन्होंने लगभग 52 करोड़ रुपीस की यहाँ पर हमें नेट सेलिंग दिखी है, ओके, बट यहाँ पर नेट वैल्यू अगर हम देखें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से तो यहाँ पर बाइंग ही की गई है, ना कि सेल किया गया है, अगर हम एवरेज की बात करें। और अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर घबराहट किस तरीके से, वन डे आज के दिन भी देख लिए 1%। अगर हम देखते हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की, ओके, तो कंटिन्यूसली मार्केट, 2 और 3 मार्केट कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2 से 2.5 से 3% मार्केट यहाँ पर गिर चुकी है। तो ऐसे में भी एक शेयर ऐसा है जो बहुत बेहतरीन है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप उसमें 10,000 रुपये लगा के रख देते हैं और 10 साल देते हैं ना, वो कंपनी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो उस कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपका बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, इसमें स्वागत करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। और अगर हम बात करें, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो 0 डिलीवरी चार्जेस, फ्री में आपका डीमेट अकाउंट, बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस, बहुत अच्छा एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज गुड एंड वेल। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ वो डिजिटल इंडिया को पूरा का पूरा कह सकते हैं कि डिजिटल ही काम करता है, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी, ओके, इस शेयर से रिलेटेड बातें करता हूँ। आज के दिन इस शेयर ने 52 वीक हाई लगाया है सबसे पहले, ओके, मार्क जब ये लिस्ट हुआ था, ओके, काफ़ी 111 पता नहीं 101% पर लिस्ट हुआ था, और अभी उसके बाद कंटिन्यूसली अगर हम देखें यहाँ मैक्सिमम, तो उसके बाद ये गिरता ही गया था। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गिरावट, यहाँ गिरावट, यहाँ, और फिर उसके बाद भागा है, और आज के दिन इसने 52 वीक हाई लगाया है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 18 जैन, 52 वीक हाई, 395, 395 का इसने हाई लगाया है। इसके पीछे रीज़न है, ओके, क्यों ये भागा, गिरावट हुई थी, स्टिल ये शेयर भागा था। तो अगर हम बात करें आज के डिलीवरी की, तो यहाँ पर लगभग 18% के यहाँ पर शेयर की डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए 17,73,676 करोड़, सॉरी, इतने 17,73,676 यहाँ डिलीवरी बेसिस पे ये शेयर उठाए हुए दिख रहे हैं। अगर हम कंपनी इंफॉर्मेशन में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी काफ़ी डिसेंट है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और शेयर देखिए काफ़ी बेहतरीन है, और किस चीज़ से रिलेटेड है ये, डिजिटल डिजिटल से रिलेटेड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें डिजिटल बिजनेस, जैसे कि आपको पता ही है आज डिजिटल हर चीज़ में डिजिटल डिजिटल की ही बातें हो रही है, तो इनका जो बिजनेस है काफ़ी सारा डिजिटल बेस है, जैसे कि डिजिटल कैपिटल एज वेल एज डाटा डेमोक्रेश टाइजेशन, चैट बॉक्स कनेक्ट, रिटेल प्राइसिंग, मर्चेंटाइज, कॉग्निटिव, तो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है, बहुत अच्छे बिजनेस में सेगमेंट करते हैं, में काम करते हैं। आईटी कंपनी है, इसकी तरफ लोगों की नज़र इसलिए नहीं जाती क्योंकि जब से ये शेयर आया है, एक तो इसका ज़्यादा चार्ट भी नहीं है और इसे लिस्ट हुए भी काफ़ी टाइम हुआ नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा शेयर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 जनवरी को, ओके, फ्राइडे को यहाँ पर एक बल्क डील हुई है, किसने, BNP परिवास आर्बिट्रेज परचेज ने ये जो ये कंपनी है BNP परिवास आर्बिट्रेज ने 0.63% के यहाँ पर स्टेक खरीदे हैं, ओके, जो कि 9,25,250 के शेयर किस भाव से 368.55 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर इतने लाख शेयर खरीदे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर मार्केट गिरी थी स्टिल पहले, तो यहाँ पर देखिए आज की डेट में जंप भी दिखी थी, बट लास्ट में आते आते ज़्यादा लोगों में डर आया और सेलिंग होती हुई हमें यहाँ नज़र आई। बट स्टिल अगर हम यहाँ पर बात करें इस कंपनी की, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, और ROCE की बात करें तो 42 है, और हम कहते हैं कि 30 का ROCE होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। यहाँ के सेल्स की बात करें तो देखिए कंटिन्यूसली सेल्स में आपको जंप ही दिखाई देगी,
यहाँ पर अब 2 जून 2019 में 165 करोड़ रुपीस की थी, तो सितंबर 2020 में 183। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इसका देखिए अभी जून 2020 में 50 करोड़ का था और जून 2020 में यहाँ पर 34 करोड़ रुपीस का है, जो कि यहाँ पे यहाँ गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। बट नो इशू, बट ये शेयर में अगर आप 10,000 रुपये लगा देते हो और 10 साल के लिए रखते हो ना, तो ये शेयर आपको लखपति तो एटलीस्ट बना ही देगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स अगर हम देखें, देखिए डेट हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अगर सेल की बात करें 2019 में मार्च में 590 थी, ये बढ़ते हुए 698 हो गई। ओके, और जब भी जब इसके रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगी कि एग्जैक्ट इसका Q3 में क्या एवरेज, मतलब जिस तरीके से आईटी ने के अदर शेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है, क्या इसने भी परफॉर्मेंस किया है या नहीं। अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हैं, जो माइनस में रिजर्व्स चल रहे थे लगभग सितंबर 2020 में 436 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग देखिए घटती हुई नज़र आई है, 121 करोड़ रुपये की 2019 में बोरोइंग थी, जो कि मार्च में 114 हुई और अभी लेके 80 करोड़ रुपये की ही बोरोइंग रह गई है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 311 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कैश कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगभग देखिए एक साल में ही लगभग दुगना हो कह सकते हैं, 112 करोड़ रुपये का इनके पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर है। कैश फ्लो की बात करते हैं, ROC ही 43%। अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की तो लगभग देखिए 53.25% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की है, फॉरेन इन्वेस्टर गया 7.51, DIS के पास देखिए 6.36 और पब्लिक के पास 32.88% की यहाँ पर हिस्सेदारी है। उनमें से भी देखिए ये जो कंपनीज है, ये जो लोग हैं, इन्होंने ही मेजोरिटी ऑफ शेयर्स ले रखे हैं। तो ओवरऑल अगर इस कंपनी की बात करें तो केवल 10,000 का इन्वेस्टमेंट और सालों के लिए रख लेना, ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देगी। इसके ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसके ज़्यादा चार्ट्स नहीं है टेक्निकल के लिए, इसलिए लोग ज़्यादा इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। बट जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ेगी 2-3-4 साल में, तो इसमें आप देखिएगा इसका प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये कंपनी कुछ भी करके आगे बढ़ेगी, क्योंकि डिजिटल ये कंपनी रिलेट करती है और मिस्टर अशोक सूता की कंपनी है, जो कि आपको पता ही है विप्रो एज वेल एज माइंडट्री के में काम कर चुके हैं, एज वेल एज फाउंडर भी है। तो हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी का नाम है, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। और कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को, जो आपका सबका चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।